गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एविडिकेशन चैनल का आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने क्लास नाइन्थ का आर्ष अग्रवाल एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन सर बोल क्या रहा है, इफ एक्स इक्वल 3K+2 एंड वाई इक्वल 2K-1 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x-3+1=0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सॉल्यूशन है या नहीं, इसमें उसके बाद क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए बहुत आसानी इस क्वेश्चन को बनाना, सबसे पहले दिमाग में रखना x का वैल्यू और y का वैल्यू, और इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे आंसर गेन हो जाएगा k का वैल्यू। देखिए सॉल्यूशंस क्या कहते हैं, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, इसमें गिवन क्या दिया, अगर गिवन आप लिख दे तो आंसर आपको निकल सकता है कैलकुलेट करने के बाद। तो क्या लिखेंगे, गिवन सबसे पहले गिवन लिख सकते हो, गिवन में क्या दिया हुआ, x इक्वल टू दिया 3K+2 और y इक्वल क्या दिया हुआ, एंड y इक्वल दिया हुआ 2K-1 इस टर्म दिया हुआ, और हमें इक्वेशन भी दे चुका है, अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो चलेगा बन जाएगा। अब चल सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 4x-3y+1=0। इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें x और y का टर्म इसमें वैल्यू रख देना, तो कर सकते हैं ना पुटिंग, देख सकते हैं यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या रखते हैं, यहां सबसे पहले x के जगह पर क्या रखना, यहां पर रखना है 3K+2 रखना है, उसी तरह से माइनस साइन है तो माइनस साइन का लिखना जरूरी है, उसके बाद क्या लिखा हुआ 3, उसके बाद y टर्म, देखिए y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2K-1 ये टर्म हो गया, और ये प्लस 1 तो एज इट इज आप लिख सकते हो ये टर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी अगर इक्वल टू के पहले और का साइन देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सीबीएसई का यह रूल होता है। तो देख सकते 4 3 जा कर सकते 12 होगा, 12 के हो जाएगा, 4 मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो प्लस तो रहेगा ही, 4 2 8, हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर गेन हुआ टर्म्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 2 6K हो जाएगा, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा अभी, उसके बाद +1=0 ये टर्म हमें प्राप्त हो गया। आप देख सकते हो फिर इक्वेशन को, अब थोड़ा ब्रैकेट को हम रिमूव करके दिखाते हैं, 2 12K+8-6K --+3+1=0। देखिए हमें टर्म्स इस तरह से प्राप्त हो रहा है, इस इक्वेशन को और अच्छे तरीके से बना सकते हो आप। देखिए तो k वाला टर्म तो 12K-6K हो जाएगा, अरेंज करके दिखाता हूँ आपको, +8 और +3+1=0 ए टर्म है, इतना तरह प्राप्त हो गया। अब देख सकते हो 12 मिस कर सकते हो ना, 6K हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर 12K-6K 6K आएगा, और उसके बाद देख सकते हैं 8 और 3 11 11 और ये क्या 1 एक 12 आ गया, 12 हमें प्राप्त हो गया, इतना टर्म्स तो हमें प्राप्त हो गया है 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल इक्वेशन तैयार हो गया। अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 6K+12=0। अब देखिए यहाँ पर के का वैल्यू बहुत आसान से यहाँ से गेन हो सकता है, आपको तो बचपन में क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो 6K, यहाँ पर देख सकते हो 12 को उस साइड में सेंड कर सकते हैं, तो ये प्लस साइन में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k का इक्वल मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 6 2 12, तो k इक्वल क्या कर सकते हैं -2 आंसर हो जाएगा आपका। तो कह सकते हैं यहाँ पर हेंस द वैल्यू ऑफ के इक्वल -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन।